नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वैन लाइफ के उत्तराखंड के अपने सफर में फिलहाल हम हैं मुंसियारी के पास। बैनिक नाम का एक गांव है वहां पर, और आज यहां से निकलने वाले हैं बिरथी फॉल के लिए। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। और फिलहाल हम लेने जा रहे हैं अपने दिन के भोजन के लिए कुछ छाछ। सो चलिए जी, ये हमने ले ली छाछ। आइए, और अब हम जा रहे हैं वापस अपनी कैंपर वैन की तरफ। चलिए चलिए चलिए, और वो देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। वहां पर पीछे पूरे घने बादल है अभी तो। तो क्या समाचार है जी आज के बुलेटिन न्यूज? आज हम निकलने वाले हैं बिरथी फॉल। बिरथी फॉल कैसे निकलिएगा आगे? रोड तो बंद है। हाँ, जब रोड खुल जाएगी तब जाएंगे। अरे यही बंद है थोड़े से आगे। हाँ, आगे बंद है। तो अभी कल जो बारिश के कारण रोड बंद हुआ था, पीछे से गाड़ियां, मतलब पीछे से खुला होगा रास्ता। तो आगे देखिए, क्योंकि बारिश के कारण रोड बंद हो गई थी इसलिए अभी पूरा यहाँ पर जाम लग गया। अब शायद रोड खुली है तो एक एक करके आगे जा रही हैं गाड़ियाँ। ये निकली है यहाँ से, अब अगर ये उधर जाएगी, ये यहाँ पहुँचेगी तो मतलब रास्ता खुल गया। देख तो रही है मुझे एक गाड़ी निकलती हुई। यस यस यस, ये इधर से तो ये सब गाड़ियाँ निकल गई हैं। और उधर भी मुझे दिख गई एक गाड़ी, वो जा रही। बिल्कुल जी बिल्कुल, रास्ता खुल चुका है। ये देखिए, सो फाइनली रास्ता खुल गया। तो अब दोपहर हो चुकी है और मम्मा बना रही खाना। आज खाने बना है रसालू, इसके अंदर रखा हुआ है रसालू, दही के आलू रखे हुए हैं इसके अंदर। यहाँ पे मम्मा ने हम दोनों के पेट जमा दिए। यहाँ की रोटी मस्त घी में चुपड़ी हुई। तो चलिए मित्रों, इस स्थान से भी आगे बढ़ने का समय हो गया है, पर सही बताऊं तो हर जगह रुकना, रुक के नए लोगों से मिलना और नए लोगों से मिलके एक नया संबंध स्थापित हो जाना, ये इतनी सहज प्रक्रिया हो जाती है इस प्रकार की वैन लाइफ में, जो हमें खुशी भी देती है और जब हम इस स्थान से आगे बढ़ते हैं तो मन भारी भी होता है। सो बस उसी भाव के साथ हम भी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इस यहाँ ये जो शॉप दिख रही है वो तो अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर गाँव में श्रमदान होता है, यानी कि किसी के भी घर में कोई काम होता है, जैसे कि अभी वो श्रमदान देने गए हैं, पास ही के एक घर में लेंटर डल रहा है, मतलब छत डल रही है, तो उसमें सब गांव वाले जाते हैं और सहयोग कराते हैं। इसी प्रकार से अगर विवाह होता है तो सब लोग जाते हैं, लकड़ी लेकर आते हैं, मतलब कुल मिला के आपस में मिलजुल के हम अपने परिवार के सारे बड़े कामों को निपटा लेते हैं। ये है अभी भी पहाड़ों के गाँव का कल्चर, जो मुझे लगता है शायद शहर के समीप जो गांव है अब उनमें थोड़ा सा विलुप्त होता जा रहा है। सो चलते हैं, बढ़ते हैं, बहुत सारी नई भावनाएं, बहुत सारे नए विचार, बहुत सारा, मतलब क्या बोलूं, वो सब लेकर हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। आज जाके रुकेंगे शायद बिरथी फॉल। मौसम अभी थोड़ा सा सोसो है पर हमें लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा। सो चलिए बढ़ते हैं आगे, कहीं ना कहीं आगे जाके रुकते हैं, जहां भी रुकेंगे आपको जरूर बताएंगे। और जाते जाते नीतू, जो दो दिन में अवनी की अच्छी दोस्त बन गई थी, उसका चेहरा पढ़ने का मैं प्रयास कर रहा था। वो जा रही थी, चली जा रही थी, मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। उसको भी शायद अच्छा नहीं लग रहा था कि हम दो दिन में ही यहाँ से क्यों जा रहे हैं, कुछ दिन और हम रुक जाएं। सो चाहते तो हम भी थे, चाहते वो भी थे, पर नियति है चलते जाना, बढ़ते जाना। सो हमें निकलना था, पर ये संबंध हमें जीवन में एक बहुत बड़ी पूंजी दे जाते हैं।
अरे वाह, सब छुपी हुई है। और मित्रों कल रात को बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई थी, उसका असर अभी तक था। हम बहुत घंटों से देख रहे थे कि अब ठीक हो, पर पूरे दिन में हमें कोई आसार नहीं लग रहे थे कि आज मौसम खुलेगा। और हमें आगे बढ़ना भी था, क्योंकि आगे हमें एक नियत तिथि तक एक स्थान पर पहुंचना है, जहां पर कुछ अन्य लोग हमें ज्वाइन करने वाले। सो उस दिशा में अब हमें आगे बढ़ना शुरू करना ही था। सो आज का ये जो मौसम आपको दिख रहा है, ये वाकई बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल स्थितियों के साथ, क्योंकि पहाड़ में इस प्रकार के मौसम में विपरीत स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और क्योंकि कल बारिश हो के चुकी है, इसलिए ये देखिए, मतलब ये वो स्थान है जहां पर कल हम स्नान करने के लिए गए थे, एकदम साफ था, पर कितने सारे पत्थर ऊपर से लुढ़क कर नीचे आ गए। हैट्स ऑफ टू बीआरओ, इतनी बारिश में ये सब लोग मिलकर इस रोड को वापस दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सो हम भी बढ़ रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं प्रकृति में, हम भी आगे बढ़ रहे हैं पहुंचने के लिए आज के गंतव्य स्थान तक। वो कहते हैं ना, रात होती है तो दिन भी होता है। वैसे ही जैसे जैसे हम नीचे उतरते चले गए, रास्ता भी अच्छा होता चला गया, मौसम भी साफ होता चला गया, और नजारे तो बस क्या कहिए। सो इस प्रकार इस खूबसूरत रास्ते को तय कर कर कुछ ही देर में हम पहुंच गए बिरथी फॉल। पहले एक बार जगह देखते थे, और वो उन्होंने बताया था ना कि एमबीएन से भी बात कर रहे थे। तो अभी हमने अपनी कैंपर वैन को वहां पार्क किया है, और इधर ये राइट एंड साइड पे जो ऊपर गिरता हुआ दिख रहा है, ये है देखिए बिरथी फॉल। यहां से होता हुआ ये नीचे जा रहा है पूरा, और इधर है केएमबीएन का गेस्ट हाउस। उनकी पार्किंग एक बार पूछते हैं, अगर अवेलेबल है तो वहाँ अपनी गाड़ी लगाई जा सकती है। सो चलिए जी, उन्होंने अनुमति दे दी कि हम वहाँ पर पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के रुक सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, और उससे अच्छा संयोग ये है कि हम बिरथी फॉल के एकदम नज़दीक रुक पाएंगे। तो चलते हैं, यहाँ से पार्क करते हैं गाड़ी, और बिरथी फॉल का जो सुंदर दृश्य है वो स्वयं भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो हम यहाँ पर आए, हम यहाँ पर रुके, अपनी गाड़ी पार्क की, पर अंततः हम यहाँ पर नहीं रुक पाए और यहाँ से आगे चले गए। क्यों चले गए बताते हैं अभी आपको। सो चलिए जी, फाइनली हमें एक अच्छा स्थान मिल गया केएमबीएन, जहाँ हम पिछली जगह रुके थे। सो एवरीथिंग वॉज फाइन, और जो वहाँ पर जो
इंचार्ज तो नहीं कहूँगा, शायद वो वहाँ पर कुछ तो भी संभालते होंगे। सो ही सेड कि भाई 200 रुपये आपको यहाँ के पार्किंग देने पड़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपये दे देंगे। मतलब 200 रुपये तो खैर एक बहुत छोटी सी राशि है और जगह भी बहुत अच्छी थी। हमने जाके वहाँ पर उतरे, स्टेप आउट किया गाड़ी से, ही सेड लाओ वो सर वो 200 रुपये दे दीजिए। तो वो बात मुझे जो है ना उसकी बहुत अच्छी नहीं लगी कि हम गाड़ी से स्टेप आउट हुए नहीं कि 200 रुपये दे दीजिए। सिर्फ उस बात के कारण मैं वहाँ नहीं रुका और हम आ गए यहाँ, और एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक जगह ठीक मिर्ची फॉल के पास हमें आज की कैंपिंग के लिए मिल गई। तो चलिए, शेष सभी लोगों ने तो भोजन कर लिया था पर मेरा भोजन बाकी था। सो यहाँ सेटल होने के बाद सबसे पहले हमने फरमाइश कर दी थी कि हमारे लिए बना दी जाए गर्मा गर्म रोटियाँ। सो रागी की रोटी, वही मड़ुए के आटे की रोटी, और ये है लजीज सब्जी। मैंने बनाई है। तुमने ही बनाई है? मैं कब मना कर रहा हूँ, तुम ही बनाती हो। और अपने घर में खाना को, ये देखो ये भी एक चीज है, मतलब किसी व्यक्ति को बार 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 अगर बताने की जरूरत पड़े कि ये काम मैं करता हूँ तो सोचने की जरूरत है कि वो करता है या नहीं करता है। आप भी जब बनाते हो तो मैं बनाता हूँ, आप भी बताते हो, ठीक है? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब खैर लोगों पे छोड़ते हैं डिसीजन कि भाई वही बताएंगे कि कौन खाना बनाता है और कौन नहीं बनाता। क्या हकीकत है ये तो आपको मालूम ही है। तो वो प्रीव्यू करेंगे ना, वो पीछे बैक मेमोरी में देखेंगे तो 95% मैं ही बना रही हूँ, 5% आप बना रहे हो, वो भी स्पेशल खाना। अच्छा ओके, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। बनाइए बनाइए रोटी बनाइए। मैं क्या अभी इसलिए ज्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ, अभी फालतू रोटियां जली हुई मिलेंगी। तो बेहतर है कि एक समझदार पुरुष की तरह स्त्री द्वारा की गई बात को सहज रूप से स्वीकार कर लिया जाए। तब हमने अपना रास्ते भोजन कर लिया है, अभी थोड़ी रात हो गई है इसलिए पापा की तबीयत थोड़ी डल हो गई थी, इसलिए पापा तो सो गए अपना। अब मम्मा दादी मैं और अवनी ये सब उठे हुए हैं, तो हम भी अब थोड़ी देर बाद में सोने जा रहे हैं और फिर कल हम जाने वाले हैं बिर्ती फॉल। तो चलिए आपसे कल ही मुलाकात होगी बिर्ती फॉल की तरफ। शुभ रात्रि। तो देखिए जी, बिर्ती फॉल के समीप इस गांव में हमारी आज की सुबह हुई है। यहाँ पर ये हमारी कैंपर वैन पार्क्ड है और ये है बिर्ती फॉल। तो चलिए फिर आज की दिन की शुरुआत करते हैं, और फिलहाल तो सब सो रहे हैं। आज अवनी मैडम ना कल नीचे ही एकदम कुड़क गई, उनका बिस्तर खुला ही नहीं। सात्विक अवनी चलना है क्या वॉक पे? झरना कल भैया ने जैसे व्लॉग में बनाया था ना अपना झरना, कैसे बनाया सात्विक? चलिए उठिए 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 उठिए, झरने पे चल रहे। चलिए जल्दी जल्दी ब्रश करेंगे फिर अपन चलेंगे आज झरने पे, देखेंगे नहाएंगे या नहीं नहाएंगे, पर चल के आएंगे। सो चलिए जी निकलते हैं। ये अवनी मैडम आ नहीं, अब आई। चलिए जी चलते हैं आगे और देखते हैं, दिखाते हैं बिर्थी फॉल। और ये है जी बिर्थी फॉल की थोड़े से नजदीक से आज सुबह की झलक। तो ये यहाँ लिखा है बर्फबारी क्षेत्र यहाँ से 9 किलोमीटर आगे से प्रारंभ है, बर्फबारी के दौरान मार्ग यातायात हेतु बाधित रहता है। मतलब सर्दियों के समय तो यहाँ पर अच्छी स्नोफॉल होती होगी, मतलब जहाँ हम कल रुके थे वहाँ तक भी अच्छी स्नोफॉल ही होती होगी। ये है बिर्थी फॉल का छोटा सा डिस्क्रिप्शन।
तो ये हम पहुंच गए जी बिरथी फॉल के व्यू पॉइंट पे, और अभी क्योंकि इसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, बारिश का समय है, तो नहाना तो मना है, इसलिए देख कर ही इसके सौंदर्य को हम अति प्रसन्न हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समय तो हम इस स्थान पे नहीं बिता पा रहे हैं क्योंकि हमें आज निकलना है आगे, और फ्लो भी बहुत तेज़ है तो स्नान का भी आनंद नहीं ले सकते यहाँ पर। तो अभी चलते हैं यहाँ से वापस अपनी कैंपर वैन पे, और छोटे मोटे जो काम हैं निकलने से पहले के उनको पूर्ण करते हैं और फिर बढ़ते हैं आज आगे चौकोरी की तरफ। तो वापस लौटा है अपने घर को, कट रही है इधर सब्जी, क्या कीजिएगा साथ की? नहा लें पहले अपन ना, एक एक करके। चलिए ये वाली भगोनी भी है, इसको भी धो देना। इधर से खिड़की खोल दूं क्या थोड़ा सा? मक्खी है यहाँ, मक्खी तो है। ये लो, मैं ना बंद करूं। तो चलिए जी सुबह सुबह के बाकी सब काम, अब नहीं मैडम ने जल्दी स्नान कर लिया है, अभी अच्छी बच्ची बन गई है। तो अभी का स्नान हो गया है, इधर श्रीमती जी बना रही हैं आज भोजन में कढ़ी, मतलब पत्ते वाली कढ़ी, जो पत्ते हमें यहाँ से गाँव से दिए थे उसकी कढ़ी, और उसके साथ बनाएंगे मड़ुए के आटे की रोटी। और ये सब करते करते हम सब लोग स्नान भी कर लेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, मतलब इस ब्लॉग को भी यहाँ पर एंड करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे चौकोरी की दिशा में। तो हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी थी और अब बारी है माता जी के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां खाने की। सो बस ये गई रोटी तवे पे। वाह वाह वाह, देखिए क्या एकदम भाप निकल रही है। आज तो भोजन का वाकई आनंद आने वाला है। सो ये आ गई जी हमारी गर्मा गर्म कढ़ी। अरे ये क्या हुआ? तो ये मिल रहा है इसमें आनंद, और देखिए जीवन में ना बिना आनंद के तो कुछ है ही नहीं। आनंद नहीं, परमानंद, परमानंद मिल रहा है ये। तो इसमें जा रहा है घी, वाह, एक और आनंद को आनंद। अब स्वाद और डालो। ये जो तैरता हुआ घी है ना कढ़ी के ऊपर, बस यही है जीवन, इसके अलावा सब मिथ्या है। और देखिए जीवन के ऊपर ना थोड़ा सा जीवन आनंद, तो ये डल गया है जीवन और ये आ रहा है आनंद। सात्विक जी मार ही डालोगे। सो ये आ गई हमारी कढ़ी और इसमें आने वाली रोटी। रोटी कहाँ गई? और ये देखिए इधर बन रहा है भोजन, पर सामने कितना सुंदर दृश्य हो रहा है। सो इस प्रकार हम सब ने ग्रहण किया स्नेह से अपना भोजन और अब बारी थी हमारे इस स्थान से निकलने की। सो चलिए जी बिरथी फॉल से हम निकलने के लिए तैयार हैं, समय हुआ है सुबह के 9:30, जल्दी निकल रहे हैं और आज उम्मीद है कि चौकोरी के आसपास कहीं जाके रात्रि विश्राम लेंगे, मतलब हॉल्ट लेंगे। सो यहाँ से दूरी है लगभग आई थिंक 60 किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटा 3 साढ़े 3 4 घंटे हमारी गाड़ी को लगने चाहिए। और मौसम अभी थोड़ा सा खुला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, बादल एज यूजुअल फ्लोट कर रहे हैं, मतलब मौसम बहुत खुशनुमा है। और एडिट आज नहीं हुआ है, सो आगे चल के एडिट भी करना है, सो उसके लिए थोड़ा सा समय हमें स्पेयर चाहिए होगा। कोशिश करेंगे हम 2-3 बजे तक जहाँ पहुँच गए वहाँ पर रुक जाएंगे, 2-3 मतलब 6 घंटा है अभी तो भी,
तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे, और इसी के साथ आज के व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। नए व्लॉग में, मतलब कल के जो व्लॉग है उसमें यहाँ के आगे के सफर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र मिलेंगे। नमस्कार।